एसडीएम राहुल चौहान के निर्देशों के बाद डॉक्टर एमएल जैन द्वारा सरदारपुर में प्राथमिक जांच व उपचार के बाद बालक विजय को आगे के उपचार हेतु धार रेफर किया गया। आपको बता दें कि सीबीएमओ डॉक्टर शीला मुजालदा ने बताया कि रिकेट बीमारी से ग्रस्त पीड़ित बालक के रोग परीक्षण के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विधिवत बच्चे के बारे में पूरी जानकारी दी। वहीं डॉक्टर की टीम द्वारा कहा गया कि विजय को सरदारपुर लाया गया। वहीं यह बात सुनकर नारायण मारू भट्ट साहब सरदारपुर पहुंचे। इसके बाद रविवार को धार रेफर किया। धार से इंदौर में विजय का इलाज करवाया जाएगा। एसडीएम राहुल चौहान का प्रयास जारी है। पीड़ित बालक विजय द्वारा एसडीएम राहुल चौहान को धन्यवाद दिया गया। लाबरिया उप सरपंच नारायण मारू भट्ट साहब को भी धन्यवाद दिया। एसडीएम सर ने उसको देखा था, बच्चे को लाबरिया गए थे, उनके निर्देश अनुसार उसको यहाँ बुलवाया गया। डॉक्टर एमएल जैन ने उसका इलाज किया तो वो रिकेट नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और चलने फिरने हाथ पांव मुड़ने में दिक्कत आती है। तो उसको हमने जिला चिकित्सालय धार अभी जस्ट रेफर किया है प्राइमरी ट्रीटमेंट। जल्द से जल्द धन्यवाद एजीएम साहब को भी। सरदारपुर तहसील से विशेष सिंह राजपूत की रिपोर्ट।